friends, in this video we can show that how to create your unique ID on your web page, a random unique ID on your web page. How you can create your random unique ID on your web page and you can save in your database. इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि कैसे हम अपने वेब पेज पे यूनिक आईडी क्रिएट करेंगे और इस यूनिक आईडी को, रैंडम यूनिक आईडी को हम कैसे अपने डेटाबेस में सेव करेंगे। सबसे पहले मैंने एक टेम्प टूल बॉक्स से एक लेबल लिया और इस लेबल का नाम LBL MSG मैंने रखा है। जैसे मैंने इसकी प्रॉपर्टीज़ ओपन की, इसका नाम मैंने LBL MSG रखा, कलर मैंने चेंज किया और कलर मैंने इसका मैरून रखा है, ठीक है। ओनली लेबल मैंने लिया, उसके बाद मैं इसके अंदर कोडिंग करूँगा। मैंने इसकी क्लास फाइल को ओपन किया और इसकी क्लास फाइल के अंदर मैंने ये नेम स्पेस जो यूज़ किए हैं, इसके अंदर मैं सिर्फ एक नेम स्पेस ऐड करूँगा, यूजिंग system.web.ui.webcontrols। ये नेम स्पेस कॉल करेगा इसके अंदर प्रीडिफाइंड मेथड्स को जो हम यूज़ करेंगे यूनिक आईडी क्रिएट करने में। यहाँ मैंने पेज के लोड इवेंट पे लेबल डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू RL, आप यहाँ पर कोई भी एब्रिविएशन ले सकते हैं। जैसे किसी भी यूनिक आईडी को क्रिएट करने के पहले कोई एब्रिविएशन लेते हैं, वैसा एब्रिविएशन ले सकते हैं RL। जैसे मैंने सपोज रेलवे नाम से कोई क्रिएट करा है तो उसका नाम हमने RL रखा है। आप अगर किसी और नाम से क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ पर दो अक्षर या तीन अक्षर का नाम दे सकते हैं। प्लस हमने गेट यूनिक की नाम का मेथड बनाया है, गेट यूनिक की। देखिए गेट यूनिक की मेथड में हम इसको कॉल करेंगे लेबल के टेक्स्ट पे, ये रैंडम आईडी चेंज करेगा जैसे हम पेज को रिफ्रेश करेंगे। यहाँ पर मैंने एक मेथड बनाया है पब्लिक स्ट्रिंग गेट यूनिक की, जो मैंने ये यूनिक की लिया है वो मैंने एक यहाँ पर मेथड बनाया है। गेट यूनिक की में फर्स्ट मैंने स्ट्रिंग गेट रिजल्ट GUID रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल लिया है जिसके स्ट्रिंग को मैंने एम्प्टी कर दिया है, इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं, पहले मैंने इसे एम्प्टी कर दिया। उसके बाद वाइल कंडीशन लिया है, वाइल जो वेरिएबल मैंने लिया है GUID रिजल्ट डॉट लेंथ लेस देन 7, 7 से अधिक हमारा यूनिक आईडी नहीं, आपको जितना लेना है आप उतना ले सकते हैं। अगर आपको 8 चाहिए, 10 चाहिए तो आप उस अकॉर्डिंग यहाँ वेरिएबल दे सकते हैं। यहाँ पर मैंने गेट आईडी रिजल्ट डॉट लेंथ लेस देन 7 लिया, 7 से मतलब लेस देन 7 ही रहेगा। उसके बाद हमने गेट रिज़ल्ट प्लस, यहाँ मैंने प्लस इक्वल टू दिया है कि इसकी जगह आप ये गेट जो मैंने लिया है GUID रिज़ल्ट आप यहाँ लिख सकते हैं। यहाँ पर GUID रिज़ल्ट प्लस GUID ये मेथड को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने प्लस पहले ही दे रखा है कि इट मीन्स इस GUID को हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं, आप ऐसे भी इसे लिख सकते हैं। उसके बाद मैंने GUID.NewGUID प्रीडिफाइन है, GUID.NewGUID.toString मेथड और डॉट गेट हैश कोड, जो सिस्टम डिफाइन हैश कोड होता है H1, H5, वो हैश कोड यहाँ से हमने फेच किया है। .toString के अंदर मैंने ये कैरेक्टर दिया है कैपिटल में X, आप यहाँ स्मॉल में भी X दे सकते हैं। कैपिटल और स्मॉल में क्या डिफरेंस होगा, जो मैंने यहाँ कैपिटल दिया है तो हमारा यूनिक आईडी कैपिटल में आएगा और मैं यहाँ पर अगर स्मॉल दूंगा तो मेरी यूनिक आईडी स्मॉल में आएगी। उसके बाद मैंने रिटर्न द फर्स्ट लेंथ बाइट, जो लेंथ ऑफ बाइट्स है उसको रिटर्न करने के लिए हमने GUID.substring 0 to 7, मैंने GUID.substring में 0 से 7, 0 से यहाँ पर यानी जो हमारा यूनिक आईडी होगा वो कैलकुलेटेड होगा 7 डिजिट्स में, यानी वो रैंडम वैल्यू सिस्टम से उठाएगा और 7 डिजिट्स में होगा।
देखिए अब हम इसे रन करा के देखते हैं। सपोज मैंने इसे रन कराया, ये देखिए जैसे मैं पेज को मैंने रन कराया 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 7 यूनिक आईडी आपके क्रिएट हो गया। जैसे मैंने पेज को रिफ्रेश किया, देखिए फिर से आईडी चेंज हो गई, फिर से आईडी चेंज हो गई। जितनी बार हम पेज रिफ्रेश करेंगे यानी जितनी बार हम पेज को कॉल करेंगे उतनी बार हमारा न्यू आईडी क्रिएट होगा। इस आईडी को हम स्टोर करा सकते हैं डेटाबेस में अकॉर्डिंग जहां आप यूज़ करना चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।